पहले से ही प्लानिंग था उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा में जाने का? कौन कह रहा है? सब लोग कह रहे हैं, जेडीयू का भी हो सकता है। मैं तो कहा कि अब जेडीयू में वही लोग रह गए जिसको नीतीश जी ने ही कैटेगरी बना दिया कि समाज में कुछ लोग हैं जो सुधार नहीं कर रहे। किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी को, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री को नहीं स्वीकार करने वाले। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जेडीयू बर्बाद समाप्त पर हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। सभी हिस्सा के लोगों के प्रति जिन लोगों ने इसका प्रचंड समर्थन दिया, प्यार से उन्हें दिखाया, उनके प्रति हम हृदय से अपनी पार्टी की ओर से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ पार्टी के जो साथी उनको पटना से बहुत सारे लोग दिन रात लगे रहे, जिला में जहाँ गए वहाँ के साथियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर तैयारी की, तो सब लोगों के सहयोग से यात्रा सफल हुई। पार्टी के साथियों का भी धन्यवाद और मीडिया के बंधुओं का भी काफ़ी सहयोग उसको मिला, हर तरह से सहयोग मिला। जहाँ भी गए सब लोगों ने काफ़ी जो सच दिख रहा था सच को लोग दिखा रहे थे। सच दिखाना मीडिया ड्यूटी बनती है, तो अपनी ड्यूटी का बेहतर निर्वहन करते हुए बहुत ही अच्छा प्रोफेशन उसको दिखा। मीडिया के लोगों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पूरे कार्यक्रम में ये जो लोगों का मन मिजाज लोग पढ़ पाए इससे स्पष्ट हुआ और हम लोगों का भी उत्साह बढ़ा। हम जब पटना में पार्टी गठन कर रहे थे उस वक्त मन में थोड़ी शंका थी, पता नहीं लोग हमारे डिसीजन को किस रूप में लें, क्योंकि पार्टी के गिने चुने जो साथी आए थे 4-5 हज़ार लोग आए थे, उनके साथ दो दिन तक विमर्श करके उन लोगों ने पार्टी गठन का फैसला लिया था। तो उन लोगों से जो लोग आए 4-5 हज़ार उनकी भावना तो आई हमारे सामने और उसके आधार पर निर्णय हम लोगों ने लिया। लेकिन आम जनता में किस रूप में हमारे निर्णय के प्रति लोग क्या रिएक्शन देंगे इसको देखना बाकी था। तो हम कई लोगों के बीच में तो लगा कि नहीं हमारे डिसीजन पर लोगों ने मुहर लगा दी, तो डिसीजन हमारा था बिल्कुल उचित डिसीजन था। ऐसा पहुंचाने के लिए अपने समाज को ठगने के लिए यात्रा है, जेडीयू कह रही है कि पहले से ही प्लानिंग था उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा में जाने का, कौन कह रहा है? सब लोग कह रहे हैं, जेडीयू का भी हो सकता है। मैंने तो कहा कि अब जेडीयू में वही लोग रह गए जिसको नीतीश जी ने कैटेगरी बना दिया कि समाज में कुछ लोग हैं जो सुधार नहीं सकते, गड़बड़ करवे करें। नीतीश जी यही बोलते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करवे करें, तो जो गड़बड़ करवे करेंगे वही लोग जब बच गए हैं वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात क्या क्या। चलिए ठीक, कार्यालय में जो लगाए हुए हैं जो मंच पर कर्पूरी सभागार है उस पर भी अंग्रेजी में जनता ने पहले उसको ना ठीक करें, आप लोग गौर नहीं किए हैं, उस पर भी अंग्रेजी में जनता दल यूनाइटेड लिखा हुआ। देखिए हिंदी को बढ़ावा या किसी भी जो लोकल लैंग्वेज, हिंदी के साथ साथ जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा तो मिलना चाहिए। अंग्रेजी भी कोई पढ़ रहा है तो उसको उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, खैर वो तो एक अलग सैद्धांतिक बात है। लेकिन बीच बीच में नीतीश जी जो कुछ बोल देते हैं उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आता। एक दिन और किसी सरकारी कार्यक्रम में उसी तरह से विफर पड़े, वो आपके दबाव में बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। लेकिन पहले अगर अंग्रेजी पर इतना ही उनका होता, वास्तव में सैद्धांतिक रूप से अगर विरोध की बात होती, कोई सैद्धांतिक विरोध की बात नहीं है, सैद्धांतिक विरोध समाजवादी को कर रहा है जो बिल्कुल सही विरोध है। लेकिन विरोध का मतलब अंग्रेजी भगाना पड़े उसको, उसे जान छोड़ाना नहीं है। अंग्रेजी भी पढ़े लोग, लेकिन अंग्रेजी में बाकी जो पढ़ाई लिखाई है उसका माध्यम अंग्रेजी ना बने, जो स्थानीय लैंग्वेज है उसका उस लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, वो एक अलग विषय। लेकिन कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है तो पढ़ना चाहिए। लेकिन नीतीश जी को ये सैद्धांतिक बातों से मतलब नहीं, सैद्धांतिक बातों से मतलब होता तो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल करते, पार्टी की जो बैठकें होती हैं उसमें कुछ इस पर बात करते। तो कभी आपने सुना है कि उनकी पार्टी की बैठक में, आंतरिक बैठक में कभी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हो? और उल्टा उनका जो बड़ा बैनर लगा हुआ है पार्टी कार्यालय में उसमें भी जनता दल यूनाइटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ है,
अब इसका जवाब तो वही दे, आपको कभी पूछिए उनसे, या आप अंग्रेजी सुन करके बिफर जाते हैं और आपके पार्टी कार्यालय में जो बड़ा सा बैनर लगा है उसमें जनता ने बैठे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। नीतीश कुमार कोई तनाव में चल रहा है क्या? कल उन्होंने सदन में कहा कि अटल जी की सरकार में हम जब गृह मंत्री हुआ करते थे तो ये करते थे वो करते थे, बहुत तरह की बात। देखिए कुछ चीज़ अब व्यक्तिगत है, अब उस पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है, चीज व्यक्तिगत होती और व्यक्तिगत चीजों का बखान हम करेंगे तो विचार से लेंगे। यह बात प्रमाणित है, जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने बिहार को ले जाने की बात की और खुद ही नीतीश जी बोलते भी हैं कि समाज में सब लोग नहीं सुधर सकता, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हैं और नहीं, मुझको लगता है कि जिनको नीतीश जी उस कैटेगरी में रख रहे हैं जो गड़बड़ करने वाले हो करवे करेंगे, नीतीश जी ऐसे ही बोलते हैं कुछ है जो गड़बड़ करने वाले वो नहीं सुधरेंगे, गड़बड़ करवे करें तो वैसे ही लोग जो गड़बड़ करवे करेंगे बस वही लोग वहाँ बच गए हैं, बाकी जनता रेगुलेटेड जहाँ गए जिला का जिला खाली हो गया, सैकड़ों की संख्या में हर जिला में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली, जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अधिकांश लोगों उस दूसरे दल के भी लोग आए, लेकिन अधिकांश दूसरे दल के लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ली, तो कई जिला तो सैकड़ों जिला में विभिन्न पदों पर या राज्य में विभिन्न पदों पर रहा हुआ व्यक्ति उन लोगों ने बड़े पैमाने पे पार्टी को छोड़कर जेडीयू को छोड़कर हम लोगों के साथ आकर सदस्यता ग्रहण की। तो इस तरह से अब कुल मिला जुला कर जेडीयू को हमने बार बार कहा है कि जेडीयू का सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, अब वहाँ कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा की तरह। और ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के डिसीजन के चलते, जो डिसीजन उन्होंने किया बिहार को फिर से अब 2005 वालों के हाथ पे सौंप देंगे, तो इसके चलते यह स्थिति बनी है। तो जनता दल यूनाइटेड हमने जो और कहा था आज जो स्थिति है जनता दल यूनाइटेड का तो जनाजा निकल गया और उस रूप में अब जनता दल नहीं है जनाजा दल है, अब कुछ नहीं बचा हुआ जनाजा निकला है और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसमें कोई दूसरा दोषी नहीं, उन्हीं लोगों के कारण जनाजा जनता दल जनाजा दल में बदल गया है। तो इस रूप में बिहार के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं लौटना चाहते, वो आगे बढ़ने वाले लोगों को ये भावना के अनुकूल हम सब लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप और इसी क्रम में अभी बात हो जाए तो अभी बड़ी बड़ी में क्यों क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये रुख पार्टी बदलते ही नहीं, हम पार्टी में रहते हुए हम बोल रहे हैं। हम देखिए ये बात सच है, पहली बार जनता दल यूनाइटेड ने अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है तो हमने कहा बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर वन की पार्टी बनाए, जो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर वन की पार्टी हम बनाना चाहते, लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ हम तो पार्टी में रहते हुए लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, संभलिए, हमने आगाह किया, कोशिश की, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन नहीं संभले तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है, अब तो धीरे धीरे कहीं कि अस्तित्व ही उसका समाप्त होने पर, तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी उसका ही अस्तित्व नहीं, तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में कहा इसमें कोई मामला बन। लेकिन आप पे आरोप सीएम बनने की हड़बड़ी है, नीतीश जी को पीएम बनने की हड़बड़ी है, आपकी यात्रा का इफेक्ट है? देखिए कहे या न कहे सच यही है कि अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री को नहीं स्वीकार करने वाले, तो सच यही है, वो कहे या न कहे
जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के प्रधानमंत्री का बनने का सवाल, इसका अवसर तो उन्होंने खो ही दिया है। रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी, हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाएगा। जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा, तो अवसर उन्होंने खो दिया। तो अवसर ही अब नहीं है तो फिर कोई कहे या न कहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गाइड करने में खुद ही पहले नीतीश जी ने यही बात कही थी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का रोल क्या होना चाहिए ऑपोजिशन पे? देखिए कांग्रेस का क्या रोल हो, हम सुझाव देने वाले उनको होते हैं, उनकी मर्जी, हम लोग सुझाव नहीं देंगे। लेकिन पक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ही, इस पर कहाँ जोड़ है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मेरा कोई सुझाव उसके लिए इसकी भी जरूरत है। चलिए ठीक है।